जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे कि अग्नि का विचार कहाँ नहीं करना चाहिए, कि जैसे हवन कराते हैं, अब हवन में किस जगह अग्नि का विचार नहीं करना चाहिए, इस विषय में जानेंगे। विवाह यात्रा व्रत गोचरेषु चूड़ोपनीते ग्रहणे युगाद्ये दुर्गा विधाने न सुत प्रसूतौ नैवाग्निचक्रम परिचिंतनीयम्। विवाह का होम, यात्रा का हवन, व्रत का हवन, गोचर के ग्रहों का हवन, मुंडन और जनेऊ का हवन, ग्रहण का हवन, पूर्णादि तिथियों का हवन, श्री दुर्गा जी का हवन तथा बालक के जन्म प्रसूति का हवन। कहने का मतलब ये हुआ कि मूलादि शांति का हवन। तो इन कार्यों में अग्नि का विचार न करें, इनमें अग्नि का विचार नहीं करना पड़ता। जैसे निश्चित है प्रतिपदा से नवरात्रि बैठती हैं, तो उसके बाद में हवन होना ही है, तो इसलिए इसमें दुर्गा में हवन में अग्नि का विचार नहीं करने की आवश्यकता है। विवाह में हवन होता उसके हवन के अग्नि का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यात्रा में हवन होता है, यदि मान लीजिए कहीं यात्रा में हवन करते हैं तो उसमें भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। व्रत के हवन में भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। गोचर के ग्रहों का जैसे जप कराते हैं और फिर उसका हवन होता है, तो इसलिए उसमें भी हवन अग्नि वास इत्यादि देखने की आवश्यकता नहीं है। मुंडन और जनेऊ, ग्रहण का होम, तो इत्यादि जो भी जितनी बातें इसमें बताई गई हैं, इन सभी किसी भी चीज़ में अग्निवास, अग्नि का चक्र देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये इसलिए विचार बन गया वीडियो बनाने का, क्योंकि व्यक्तियों का प्रश्न रहता है कि अग्निवास कहाँ देखें, कहाँ न देखें, कहाँ कहाँ पर अग्निवास नहीं देखना चाहिए। तो मन में आया कि इसका वीडियो बना दिया जाए, तो इसलिए इसका वीडियो बना दिए कि इन इन स्थानों पर अग्नि का वास नहीं देखना पड़ता है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।